मधेपुरा जिले के बिहारीगंज जदयू नेता प्रदीप साह हत्या मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। जाप सुप्रीमो मधेपुरा के बिहारीगंज प्रखंड अंतर्गत हथियोंधा पहुंचे। उन्होंने मृतक परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया और मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, बिहार में कंप्लीट रूप से सिस्टम को चला रहा है अपराधी व माफिया। इन अपराधियों को पुलिसिंग व्यवस्था से भय नहीं है, लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुकी है। स्पीकर कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहता मेरी कोई नहीं सुनता है, वहीं रूढ़ी कहता है हम बर्बाद हो गए, और छेदी पासवान कहता है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दाऊद से मिले हुए हैं। कुल मिलाकर अपराधी व माफिया मिलकर थाना चलाता है। साथ ही पप्पू यादव ने जदयू नेता हत्या मामले को लेकर कहा कि हम जानते हैं कौन इतनी हत्या करवाया है, हमने सीएम को बता दिया है, अभी वो फिलहाल दिल्ली में है, हमारी बात हो चुकी है, हम इस हत्या मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग करते हैं और तत्काल मृतक परिजनों को 20 लाख मुआवजा की राशि की भी मांग रखते हैं। इसके बाद इस केस को जल्द स्पीडी ट्रायल करवा कर हत्यारे को सजा देने की मांग करते हैं ताकि अपराधी जल्द जेल जा सके। मेरी कोई नहीं सुनता, थाना नहीं सुनता, पूरा का पूरा थानेदार बालू और अपराधी को संरक्षण देने वाला लगा दिया गया। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है मेरी कोई नहीं सुनता, वहाँ पर पप्पू यादव को रामगढ़वा और संग्रामपुर जाना पड़ता है न्याय के लिए। रूडी बोलता है कि हम बर्बाद हो गए, छेदी पासवान कहता है कि नीतीश दाऊद से मिले हुए हैं। सत्ता पक्ष के एक एक लोग कह रहे हैं कि अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों प्रशासन को चला रहा है और थाना प्रभारी यही लोग हैं, यही लोग डीएसपी हैं, यही लोग एसपी हैं। इतनी बड़ी घटना, इनकी कोई व्यक्तिगत घटना, मैं जितना समझा इस केस को जाना और मैंने जो बातचीत की उसमें मैं क्लियर इस केस की जांच पटना के एसआईटी की टीम से मैं मांग करता हूं बड़ी, जिसमें पूर्व में भी इनकी जो राजनीतिक जीवन रही है उसकी भी तलाश होनी चाहिए। पहले कौन लोग थे, पहले समिति थे, फिर यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख फिर हटे, फिर जुटे, तो क्या उसकी भी भूमिका तलाश होना चाहिए कि जो ब्लॉक प्रमुख अगले बार हटे, जुटे, फिर नया बने, कौन कौन लोग इस हत्या के पीछे है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी जांच होनी चाहिए। मारने वाला कोई और है, हत्या करवाने वाला कोई और है, इसको आप लिख लें। मैं बार बार कहता हूं कि आखिर ये हिम्मत आती कहां से। स्पीकर कहता है मेरी कोई नहीं सुनता, थाना नहीं सुनता, पूरा का पूरा थानेदार बालू और अपराधी को संरक्षण देने वाला लगा दिया गया। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है मेरी कोई नहीं सुनता, वहां पर पप्पू यादव को रामगढ़वा और संग्रामपुर जाना पड़ता है न्याय के लिए। रूढ़ी बोलता है कि हम बर्बाद हो गए, छेदी पासवान कहता है कि नीतीश दाऊद से मिले हुए हैं। सत्ता पक्ष के एक एक लोग कह रहे हैं कि अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये तीनों प्रशासन को चला रहा है और थाना प्रभारी यही लोग हैं, यही लोग डीएसपी हैं, यही लोग एसपी हैं। इतनी बड़ी घटना, इनकी कोई व्यक्तिगत घटना, मैं जितना समझा इस केस को जाना और मैंने जो बातचीत की उसमें मैं क्लियर इस केस की जांच पटना के एसआईटी की टीम से मैं मांग करता हूं बड़ी, जिसमें पूर्व में भी इनकी जो राजनीतिक जीवन रही है उसकी भी तलाश होनी चाहिए। पहले कौन लोग थे, पहले समिति थे, फिर यहाँ ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख फिर हटे, फिर जुटे, तो क्या उसकी भी भूमिका तलाश होना चाहिए कि जो ब्लॉक प्रमुख अगले बार हटे, जुटे, फिर नया बने, कौन कौन लोग इस हत्या के पीछे है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की भी जांच होनी चाहिए। मारने वाला कोई और है, हत्या करवाने वाला कोई और है, इसको आप लिख लें।
नाम भी हम खोलेंगे, आप चिंता ना करिए, नाम भी हमें पता है। ये थी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट मधेपुरा से।